रघुगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने आदिवासी समाज के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विकास कामों की सौगात दी है। जब हमारे रिपोर्टर ने विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र भील से बात की तो उन्होंने कहा कि विधायक का आदिवासी समाज का एक पारिवारिक रिश्ता है, हम इस पारिवारिक रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे, हम एक बड़े भाई को वोट देते हैं और हमें साथ देते रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जयवर्धन सिंह बाबा साहब ने आदिवासी समाज को कई ऐसी बड़ी सौगातें दी है अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में। आप देख सकते हैं माधेवपुरा में जब माननीय विधायक महोदय मंत्री थे तब 2 करोड़ की राशि सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत की थी, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूरे आदिवासी समाज में राधुगढ़ विधानसभा में इतना भव्य सामुदायिक भवन माधेपुरा में बनकर तैयार हुआ है। ऐसे कई अनेक विकास काम माननीय विधायक मोदी ने आदिवासी समाज को किया है। आप देख सकते हैं अपनी निधि से कई गांवों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए हैं। माननीय विधायक मोदी ने अपने निजी खर्चे से भजन संध्या के लिए आदिवासी ग्रामों में मंडलियों को ढोलक पेटी भी उपलब्ध कराई है। हमारा माननीय बाबा साहब से कई पीढ़ियों का एक पारिवारिक संबंध है, इस संबंध को हम कभी टूटने नहीं देंगे। हम वोट माननीय बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी को हम माननीय बाबा साहब को एक बड़े बेटे के रूप में हम माननीय बाबा साहब को वोट देते हैं। और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कई ऐसे विकास काम जो छूट गए हैं वो हम सब मिलकर कराएंगे।